गोरखपुर में किराना व्यापारी के घर में आग लग गई। हादसे में दो बच्चों की मौत हो गई। घटना नया गांव की है। शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगी है। बिजली के मेन बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से आग लगी है। परिवार के 9 लोग झुलस गए जिसमें दो बच्चों की BRD मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार के 7 लोगों का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी संज्ञान ले लिया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के भी निर्देश दिए हैं। बेहतर इलाज कराने को लेकर निर्देशित किया गया। और अगली खबर, कानपुर से प्रधान समेत 8 पर अवैध खनन का मुकदमा दर्ज किया गया है। मौके से 2 ट्रैक्टर ट्रॉली सीज कर दिए गए हैं। प्रधान पर अवैध खनन करवाने का आरोप लगा है। महाराजपुर पुलिस ने घेराबंदी की है। पुलिस की टीम को देखकर कई लोग फरार हो गए। तो महाराजपुर पुलिस ने घेराबंदी की है। प्रधान पर अवैध खनन का ये पूरा मामला, कानपुर से बड़ी खबर। और अगली खबर, सीतापुर से, जहां पर 2 बाइक आमने सामने टकरा गई। एक बाइक सवार की मौत हो गई जबकि 2 अन्य बाइक सवार घायल हो गए। इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया गया है। बहराइच में दीवार गिरने से हादसा हुआ। दीवार के नीचे दबने से एक ही परिवार के 2 मासूम की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। पड़ोसी की दीवार गिरने से हादसा हुआ। छत पर सो रहा था पूरा परिवार। रामगांव थाना क्षेत्र के भगवानपुर माफी गांव की यह घटना बताई गई।